Hi to everyone. I am Ambujaranjan Jha, reasoning teacher, and today we are going to discuss the first segment of reasoning, that is coding decoding. ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले हम लोग देखेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आप ड्यूजैट एग्जामिनेशंस दे रहे हो, बीबीए एग्जामिनेशंस दे रहे हो, एनसीएचएम दे रहे हो, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हो. अगर आप बीएड में भी इंटरेस्टेड हैं, बीएड के कोर्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सेगमेंट्स से क्वेश्चंस दिखता है. तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे. कोडिंग डिकोडिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें हम लोग, तो वन और टू क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में इससे दिखता है. तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के, कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस आता है उसको हम कैसे इजीली सॉल्व करें एग्जामिनेशंस में विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम. तो सबसे पहला काम जो है वो है कि अल्फाबेट के डिफरेंट जो पोजिशंस हैं उसको मेमोराइज करना होता है. कैसे, इसके लिए हम लोग अल्फाबेट के स्केल को देखते हैं. ये है ईजोटी. अल्फाबेट का जो बेसिक स्केल है वो हम लोग ईजोटी यूज करते हैं. ईजोटी में पोजीशंस अल्फाबेट के, तो ई का पोजीशंस है 5, जे का है 10, ओ का है 15, टी का है 20 और वाई का है 25. ठीक है, ये पोजीशंस हमको ध्यान में रखने होते हैं. ये पोजीशंस क्यों ध्यान में रखना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ. तो इसके पोजीशंस को ध्यान में रखना होता है क्योंकि टाइप वन में हम लोगों को सीखना है पोजिशनल चेंजिंग. टाइप वन में हम लोग क्या सीखते हैं, पोजिशनल चेंजिंग. ठीक है, अब जितने इंग्लिश अल्फाबेट हैं, 26 जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं, इसके पोजिशंस को अगर हमें बताने हैं, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस है, तो हम कैसे, सपोज करो आर का पोजीशंस फाइंड आउट करना है कि व्हाट्स द पोजीशन ऑफ आर. तो हम सबसे पहले कोरिलेट करते हैं कि आर कौन से दो अल्फाबेट के बीच में लाई करता है. तो दिख रहा है कि आर, ओ और टी के बीच में लाई करता है. तो आर के पोजीशंस को अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आर के पोजीशंस तक पहुंचने के लिए आप ओ प्लस 3 कर सकते हो या फिर टी माइनस 2 कर सकते हो. तो ओ प्लस 3, पोजिशन ऑफ ओ इज वॉट 15 एंड टी इज वॉट 20, तो क्या आ जाएगा आर का पोजिशंस 18. क्या कैसे फाइंड आउट करा हमने, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. इसमें कोई ऐसा नहीं है, डेफिनेट रूल नहीं है कि आप एडिशन ही करो हमेशा, आप सब्ट्रैक्शन ही करो हमेशा, ऐसी बात नहीं है. अब जहां पे जो आपके लिए इजी दिखता है आपको, अगर टी के करीब दिखता है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ओ के करीब है तो आप ऐड कर लो. ठीक है, अब सपोज करो कि पी का पोजीशंस फाइंड आउट करने हैं, तो पी का पोजीशंस अगर फाइंड आउट करने हैं तो ऑब्वियस है कि ओ के बाद वाला अल्फाबेट, तो इसमें सब्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली हम ओ प्लस 1 कर लेंगे. तो ओ का पोजीशंस कितना है, 15 है, तो 15 प्लस 1 दैट इज 16. ओ का पोजीशंस आपको पता है 15, आपने 15 प्लस 1 कर दिया, मतलब ओ के ठीक बाद वाला अल्फाबेट है, तो पी का पोजीशंस 16. इसी के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट अल्फाबेट के पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, डिफरेंट अल्फाबेट के अगर पोजीशंस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको ईजोटी इस स्केल को ध्यान में रखना है. अब देखते हैं कि कैसे हम इस स्केल को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट अल्फाबेट के पोजीशंस को फाइंड आउट करें. ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइंड आउट द पोजीशंस ऑफ गिवन अल्फाबेट. अल्फा को मैंने सिंबॉलिकली लिखा है, टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ गिवन अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट है उसके पोजीशंस को फाइंड आउट करना है. तो पहला अल्फाबेट है एक्स, दूसरा अल्फाबेट है डब्ल्यू, तीसरा अल्फाबेट है के, चौथा अल्फाबेट है एम, पांचवा अल्फाबेट है एल, छठा अल्फाबेट है जी, सातवां अल्फाबेट है आर, आठवां अल्फाबेट है एन, नौवां अल्फाबेट है
क्यू, ये इतने 9 अल्फाबेट मैंने मेंशन करा है यहाँ पे, इन सारे अल्फाबेट्स के पोजीशंस को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमको क्या यूज करना है, हम कैसे फाइंड आउट करें क्विकली एग्जाम में? तो सबसे पहला काम है कि आप इजोटी जो आपके पास स्केल है उस स्केल को आप एक बार देख लो ध्यान से, उसके पोजीशंस को देख लो, ये 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब इसी से कोरिलेट करेंगे हम लोग। एक्स के पोजीशंस को फाइंड आउट करना है तो एक्स के लिए हम कौन से अल्फाबेट का यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे, वाई माइनस वन दैट इज द पोजिशन ऑफ एक्स इज 24। डब्ल्यू का पोजिशन फाइंड आउट करना है तो वाई को कोरिलेट करेंगे, वाई माइनस टू 23। K के पोजीशंस के लिए हम J को कोरिलेट करेंगे, J प्लस 1 11। अगेन M दैट इज, अब इसमें आप J को भी कोरिलेट कर सकते हो, O को भी कोरिलेट कर सकते हो, J प्लस 3 कर सकते हैं हम लोग 13। अगेन L, J प्लस 2 कर सकते हैं 12। अगेन G, अब E प्लस 2 7। R, T माइनस 2 18। अगेन N माइनस 1 O माइनस 1 14 एंड O प्लस 2 17। ये सारे अल्फाबेट्स के पोजीशंस हैं। कैसे हमने फाइंड आउट करा, ये जो गिवन स्केल है इसका हम लोगों ने ध्यान में रखा कि इस स्केल के अकॉर्डिंगली हम कैसे कोरिलेट करें डिफरेंट अल्फाबेट को, और वहां पे आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं कि क्यों जरूरत है, हम क्यों अल्फाबेट के पोजीशंस को मेमोराइज करें। तो कोडिंग डिकोडिंग में जब हम अल्फाबेटिकल चेंजिंग में चलेंगे, टाइप टू में मूव करेंगे, तो थोड़ा बहुत वहां पे आपको देखना है कि कैसे अल्फाबेट में एडिशंस होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शंस होता है, वो ध्यान में रखना होता है। उसके लिए हमको अल्फाबेट के पोजीशंस को हमेशा ही थोड़ा सा वो पोजीशंस को ध्यान में रखना होता है। अब जो इसके एप्लीकेशंस हैं उसको हम लोग देखते हैं, एप्लीकेशंस पे कैसे फोकस करने हैं। रूल वन, ये रूल वन है। रूल वन में क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को, रूल वन में अल्फाबेट्स पोजीशन प्लस इट्स रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजीशन प्लस रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजीशन एंड समेशन ऑफ बोथ द टू इज इक्वल टू 27। किसी भी अल्फाबेट्स के पोजीशंस को अगर हम उसके रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट के पोजीशंस के साथ सम अप करते हैं तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 27। ठीक है, ये ध्यान में रखने हम लोगों को। अब अल्फाबेट्स पोजीशंस को फाइंड आउट करना हम सीख गए, तो रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स के पोजीशंस को अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है हम लोगों को, लीनियर इक्वेशंस का यूज करेंगे ये फाइंड आउट करने। तो लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा फॉर्मूला, रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 27 माइनस अल्फाबेट्स पोजीशन, 27 माइनस अल्फाबेट्स पोजीशन। किसी भी अल्फाबेट्स के पोजीशंस को अगर हम 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उस अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट एग्जैक्ट वे में पता चलता है। ठीक है, अब मेरे पास स्केल क्या है, इजोटी स्केल है। उस स्केल में जो डिफरेंट अल्फाबेट यूज हुए हैं, उस स्केल के जो 5 अल्फाबेट है, सबसे पहला काम है कि उस अल्फाबेट का हम रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहला स्केल है हम लोगों का इजोटी, ये स्केल है इजोटी 5, 10, 15, 20 and 25, ये स्केल। अब इसमें जो 5 अल्फाबेट आए हैं इसका रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने अभी बताया कि जो भी अल्फाबेट का पोजीशंस है
उसे हम 27 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करने, 27 माइनस 5 दैट इज 22 एंड एट द 22nd पोजिशन विच अल्फाबेट इज देयर, दैट इज वी। द नेक्स्ट वन इज जे, 27 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्यू, दैट इज 17। तो जे के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट आएगा, क्यू आएगा, और प्लेस वैल्यू कितने हैं, 17 है। ओ 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12, 12 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, एल। द नेक्स्ट वन इज 27 माइनस 20 दैट इज 7, 7 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, जी। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, 27 माइनस 25 इज इक्वल टू 2nd, और दूसरे नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, दैट इज बी। ये जो अल्फाबेट्स हैं ये सारे एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंगली रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट हैं। ई के रिवर्स ऑर्डर में क्या आ रहा है, वी आ रहा है, प्लेस वैल्यू कितना है, 22 है। जे के रिवर्स ऑर्डर में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, प्लेस वैल्यू कितना है, 17 है। ओ के रिवर्स ऑर्डर में क्या आ रहा है, एल, प्लेस वैल्यू कितना है, 12 है। टी के रिवर्स ऑर्डर में क्या है, जी, प्लेस वैल्यू क्या है, 7 है। वाई के रिवर्स ऑर्डर में क्या है, बी, प्लेस वैल्यू क्या है, 2nd है। ये सारे एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डिंगली रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, इसे आप थोड़ा सा रफ वर्क करोगे इसमें तो सारे रिवर्स ऑर्डर बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं रिवर्स ऑर्डर से रिलेटेड। एग्जाम्पल, टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजिशन, द रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड ऑफ द और गिवन अल्फाबेट। टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजिशन ऑफ द गिवन अल्फाबेट, जो अल्फाबेट दिए जा रहे हैं उसके रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट का पोजिशन आपको फाइंड आउट करना है। कुछ अल्फाबेट में दे रहा हूं, पहला अल्फाबेट है क्यू, दूसरा अल्फाबेट है एल, तीसरा अल्फाबेट है एम, चौथा अल्फाबेट है एक्स, पांचवा अल्फाबेट है डब्ल्यू, छठा अल्फाबेट है एस, सातवां अल्फाबेट है एन, आठवां अल्फाबेट है यू, नौवां अल्फाबेट है के, और दसवां अल्फाबेट है आर। ये 10 अल्फाबेट मैंने रखा है। ये जो 10 अल्फाबेट हैं इन सबका रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही आसान, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन अल्फाबेट हैं उसके पोजिशंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब फॉर्मूला पता है कि अल्फाबेट्स के पोजिशंस को अगर हम उसके रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट के पोजिशंस के साथ सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर और अल्फाबेट्स के पोजिशंस का समेशन कितना आता है, वो आता है 27। तो अब अगर रिवर्स ऑर्डर निकालने हैं तो 27 में से हम अल्फाबेट्स के पोजिशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे, सबसे पहले क्यू का क्या पोजिशन है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्यू का पोजिशन पता है 17, तो 27 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 17 को, तो क्या आता है 10, और 10 नंबर पे है जे, मतलब क्यू के रिवर्स ऑर्डर में क्या आएगा, जे आएगा। एल है 12 नंबर पे, रिवर्स ऑर्डर में क्या है, कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो 27 माइनस 12 15, 15 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, ओ। इसका मतलब है कि एल के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट आएगा, ओ आएगा। M है 13 नंबर पे, 27 माइनस 13 करते हैं तो 14 आता है, और 14 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, N। अगेन X का प्लेस वैल्यू क्या है, 24 है, 27 माइनस 24 क्या आएगा, C।
थर्ड नंबर अल्फाबेट डब्ल्यू 23 रिवर्स ऑर्डर में क्या आएगा 27 माइनस 23 दैट इज 4 और फोर्थ नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है डी है और फिर एस की बात करते हैं तो एस का प्लेस वैल्यू 19 है इसके रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट आएगा तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा 27 माइनस 19 दैट इज 8 और 8 नंबर पे है एच अगेन एन तो एन का प्लेस वैल्यू बताएं 14 27 में से 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं 13 तो ये 13 नंबर प्लेस वैल्यू एम फिर से यू यू का प्लेस वैल्यू 21 एफ 6 अगेन के 11 रिवर्स ऑर्डर में क्या पी 16 अगेन आर 18 आई 9 तो अगर रिवर्स ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना और पोजीशंस आपने फाइंड आउट करना सीख लिया तो जो क्वेश्चंस आते हैं पोजिशनल चेंजिंग के बाद जो हम लोगों को देखना होता है अल्फाबेटिकल चेंजिंग जिससे कि दो क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से वो बहुत आसान हो जाएगा वो सीखना ठीक है। इसके आगे हम लोग अल्फाबेटिकल चेंजिंग देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप 2 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दैट इज अल्फाबेटिकल चेंजिंग वो टाइप 2 होगा और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।